Hey everyone, it's Vidhi and welcome back to another video. So, आज का वीडियो है DIY tops. तो मेरे पास बहुत ही सारे पुराने कपड़े पड़े हुए थे और मैंने सोचा क्यों ना इन्हें DIY किया जाए और कुछ इनोवेटिव बनाया जाए. So, I have a lot of stuff जिनको मैं DIY करने वाली हूँ और मेरा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है. मैंने कुछ सोचा नहीं है मैं किसको क्या सोच के DIY करने वाली हूँ. So, यार देखते हैं एंड लेट्स गो विद द फ्लो. एंड या विदाउट एनी फर्दर टू डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट टॉप लुक्स लाइक. काफ़ी ओवरसाइज टॉप है एंड काफ़ी क्यूट सा कलर है और इसको ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं है. सो मैं सोच रही हूँ इसको कुछ अच्छा सा हम DIY करके कुछ यूनिक सा कुछ बना दें. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. इस पर लिखा हुआ है गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एंड या ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है एज यू गाइस कैन सी. तो मुझे लगता है इसे हम कुछ रैप अराउंड जैसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगेगा. मुझे DIY करना बहुत पसंद है. मैं पहले बहुत चीज़ें DIY करती थी बट DIY YouTube वीडियो में पहली बार बना रही हूँ. अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हम पार्ट टू बना सके. सो दिस इज़ व्हाट द टॉप लुक्स लाइक और अब मैं इसे यहाँ से मार्क करने वाली हूँ जस्ट टू गिव द रफ आइडिया ताकि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो. पता चला ये कुछ और ही बन गया. सो आई डोंट वॉन्ट दैट. And now I'm gonna fold it और मैं उसी को match करते हुए second side भी mark करने वाली हूँ. अब हमारी marking हो चुकी है और मैं इसे यहाँ से भी cut करने वाली हूँ और यहाँ से भी cut करने वाली हूँ. Make sure you use fabric scissors guys. बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से cut करना. मैं तो DIY करती रहती हूँ so I have idea. सो प्लीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करना और बहुत ही ध्यान से कटिंग करना. और कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है. थोड़े बहुत रफ एजेस होंगे तो चलेगा. इट्स गोना लुक रियली नाइस. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक नाउ. और अब मैं इसका बैक पोर्शन कट करने वाली हूँ. फ्रंट पोर्शन कट नहीं करना है. सो अब ये बैक से कुछ ऐसा लग रहा है. एक्चुअली मैं इसे बैक नॉट वाला टी शर्ट बनाना चाहती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे एक वी शेप में कट करने वाली हूँ. इसे फोल्ड किया है. आई एम गोइंग टू मार्क इट फ्रॉम द पेन एंड देन आई एम गोना कट इट. दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक नाउ. दिख तो काफ़ी अच्छा रहा है और आई होप कि इसका बैक में नॉट बन जाए. अगर नहीं बनता है तो मैंने सोचा है कि मैं पीछे जो मैंने पार्ट्स कट किए हैं उसको मैं ज्वाइन करके आई जस्ट ट्राई टू मेक इट अ बैक नॉट टी शर्ट. एंड या आई एम गोइंग टू स्टाइल इट और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है. लेट्स गो. नेक्स्ट टॉप ये है. दैट इज़ दिस वाइट क्यूट सा सेल्फ डिज़ाइन वाला टॉप जो कि मैं सिक्किम से लाई थी. अगर आपने मेरी सिक्किम वीडियो देखी है तो आपको पता होगा. अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग टाई एंड डाई टॉप्स बहुत चल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं सेल्फ डिज़ाइनिंग वाले टॉप को टाई एंड डाई करूँगी तो इट्स गोना लुक क्यूट. सो हम ट्राई करते हैं. और वैसे भी मुझे बहुत ही एक प्यारा कलर दिमाग में है. देखते हैं कैसा ये निकलता है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगेगा. सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. सो नाउ आई एम गोना टाई एंड डाई दिस टॉप और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक फोक जिससे मैं एक स्पाइरल डिज़ाइन बनाने वाली हूँ. एंड आई होप कि कुछ बहुत ही अच्छा टर्न आउट होकर आए. हमें से बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइरल्स बनाने हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ एज यू गाइस कैन सी. आफ्टर दैट हमें यहाँ पर रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर लेना है. एकदम टाइट रबर बैंड बांधना. नहीं तो ये लूज हुआ तो कलर सब जगह स्प्रेड आउट हो जाएगा और ये टाई एंड डाई इफेक्ट नहीं देगा. नाउ आई एम गोइंग टू यूज फैब्रिक कलर्स और मैंने इसे एक अच्छे से प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया है ताकि मैस क्रिएट ना हो. एंड आई एम गोइंग टू पुट माई फेवरेट कलर दैट इज़ लैवेंडर शेड. If you guys are doing in daytime, तो आप इसे sunlight में रख सकते हो. मैं अभी शाम को कर रही हूँ तो I'm going to keep it overnight. और इस पर बहुत अच्छे से color लगाना है. साइड से cover every part of the top.
जस्ट टू गिव द एक्स्ट्रा इफेक्ट मैं यहाँ पे एक शेड डार्कर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये एकदम मिक्सअप हो जाए एंड इट टर्न्स आउट वेरी वेरी नाइस। ये अच्छे से कलर में कोट हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव इट ओवरनाइट एंड सी द रिजल्ट्स नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ये कुछ ऐसा दिख रहा है और अब मैं इसके सारे रबर बैंड्स निकालने वाली हूँ। This is how it turned out. I love this top. I freaking love this top and love this color. मैंने नहीं सोचा था ये ऐसा निकलने वाला है, but I love this. नेक्स्ट थिंग, मेरे पास एक बहुत ही वियर्ड सी कुर्ती है एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। एज यू गाइस कैन सी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। इट्स अ टेंट फॉर मी। पता नहीं मैंने इसे क्यों ख़रीदा था, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको मैं कुछ, ये नीचे से इट्स वेरी लूज ऑन मी एंड ऊपर का पार्ट इज़ काइंड ऑफ फिटेड, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इसे यहाँ से कुछ क्रॉप कर दूँ और एक क्यूट सा क्रॉप टॉप बना दूं विथ फ्रिल्स तो ये अच्छा लगेगा ना। चलो लेट्स गो। यहाँ पे ये सारे बटन्स दिए हुए हैं एंड दिस इज़ द सेंटर लाइन और हम इसे इतना गैप रख के कट करने वाले हैं टू गिव दैट ब्यूटीफुल फ्रिल इफेक्ट। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है एकदम नीटली करना है, यू कैन बी रफ ताकि थोड़ा एजी लगे एंड यू नो थोड़ा डिस्ट्रेस्ड वाइब आए। This is how it looks like. ये इसका bottom part है और ये इसका upper part है। Comment section में ज़रूर बताना कि हम इसके bottom part का क्या कर सकते हैं। Up I have is this jeans जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है और मैं इसे इतना पहनती भी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगा इसको अगर मैं इसको रीवैम्प कर दूँ तो बहुत ही यूनिक लगेगा, तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग सम पेंटिंग ऑन दिस जीन्स। डिज़ाइन हम थोड़ा देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। इधर आई पेंट द पॉकेट साइड और मे बी आई पेंट दिस फ्रंट पार्ट जो कि बहुत ही यूनिक लगेगा क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है यू नो पेंट ऑन जीन्स। So this was my idea. I wanted to draw a cutest pink panther on my jeans and I have drawn a rough sketch here. और अब मैं इसे अच्छे से पेंट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने फैब्रिक कलर्स यूज़ किए हैं। फाइनल टचअप के लिए आई एम यूजिंग अ ब्लैक मार्कर ओवर हेयर। आप चाहो तो ब्लैक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, बट इट्स क्वाइट ईजी इफ़ यू आर यूजिंग अ मार्कर। This is how our cute little panther looks like and I love this. This is super cute. I guess बहुत ही thrifted vibe आ रही है इससे and it's so easy. बहुत प्यारा लग रहा है। In fact, this is one of my favorite DIY. What do you guys say? Comment section में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आई एम गोना मेक इज़ अ ड्रॉ स्ट्रिंग टॉप। ये काफ़ी पॉपुलर है ज़ारा पे, इफ़ यू गाइज हैव सीन। यहाँ पे मैंने टी शर्ट को उल्टा कर दिया है एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू स्ट्रिप्स। ओके, आप चाहो तो स्टिच भी कर सकते हो, बट आई गेस फैब्रिक ग्लू यूज़ करना इज़ मच मोर ईजियर। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू स्टिक द स्ट्रिप। पूरी स्ट्रिप एक साथ स्टिक नहीं करनी है आपको, सिर्फ उसकी दोनों साइड की थोड़ी सी एजेस स्टिक करनी है।
जैसे कि आप देख रहे हो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दिस इज हाउ इट्स गोना लुक, ताकि हम इसमें एक स्ट्रिंग डाल सके. और ये सेम स्टेप रिपीट करना है विद वन मोर स्ट्रिप. फॉर स्ट्रिंग आई एम यूजिंग शू लेसेज हेयर. आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो. इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से आपको फर्स्ट स्ट्रिप के अंदर डालना है. टू पुट द अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू अनदर स्ट्रिप. आई होप समझ में आ रहा है. एंड सेफ्टी पिन के थ्रू ही डालना है इसे भी. नाउ यू हैव टू पुल द टॉप टू गिव दैट यू नो गैदर्ड इफेक्ट, और वो स्ट्रिंग वाला इफेक्ट देने के लिए. That's it for the video, guys. I really hope you guys enjoyed the video. And if you did, make sure you hit like, share and subscribe to my channel. Comment करके ज़रूर बताना कि ये DIY video कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो I'll come with a part 2. Also, make sure you hit that bell notification so that every time I upload a new video, you will get a notification. And I'll see you in the next one. Bye!